जोशीमठ में धसान और दरार को लेकर दायर अर्जी में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही गई। जोशीमठ में दोनों होटल्स को गिराने का काम जारी है, जियोलॉजिकल सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर मांग की गई। बाकायदा ये याचिका कोर्ट के सामने रखी गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जोशीमठ से। मंजीत, ये जो आज सुनवाई होनी है, इस पर जोशीमठ का भविष्य टिका हुआ है, कई मायनों में बेहद अहम। वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो इसे देखते हैं? लेकिन नेहा, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर जरूर गुस्सा है, और अभी क्योंकि शुरुआती दिन है और लगातार अलग अलग एजेंसियां यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जहां तक अभी क्योंकि 300 से ज़्यादा ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं, उसमें से उन लोगों को फिलहाल होटल, धर्मशालाएं और अलग अलग जगह रखा गया है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मौसम की दुश्वारियां हैं, उसको लेकर जल्दी किसी बड़े प्लान की तरफ सरकार को बढ़ना होगा। अभी तमाम सरकार की एजेंसियां, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री, मंत्री यहाँ पर थे, लेकिन अब लोगों में धीरे धीरे अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि क्योंकि जिस तरह की ये आपदा है और आने वाले दिनों में अभी इस बात की आशंका है कि जो दरारें हैं, जो यहाँ पर भूधसाव हो रहा है, वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे बर्फबारी और मौसम आगे खराब होगा, उससे मुश्किलें हो सकती हैं। आज थोड़ी देर पहले जोशीमठ से आगे कर्णप्रयाग, जहां तक ऋषिकेश से रेल परियोजना पहुंच रही है, वहां पर भी कुछ परिवारों को दरार की वजह से शिफ्ट किया गया। स्थानीय मंत्री धन सिंह रावत वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से लोगों में आशंका है, लोगों में ठीक है। मंजीत, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।